प्रयागराज के संगम तट पर प्रदूषण हटाओ देश बचाओ का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार का नारा झूठा साबित कर रही है। गंदे कपड़े वे चिंदी जलाने वाला प्रोजेक्ट से निकलने वाला धुआं से हो रही बच्चों की दम घुटने से मौत और लोगों में हो रही परेशानी। जी हाँ नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज जहां सरकार एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रदूषण हटाओ देश बचाओ का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के गंगा यमुना संगम तट पर बने यमुना ब्रिज चौराहे के बगल में हॉस्पिटल से निकलने मलहम पट्टी वाले गंदे कपड़े चिंदी प्लास्टिक की बोतलें को जलाने का कार्य प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे निकलने वाला गुब्बारा भरा जहरीला धुआं इतना प्रदूषित होता है कि अभी पिछले साल एक बच्चे की मौत दम घुटने से हो चुकी है। ऐसा आरोप बच्चे के पिता काजू का है। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाला महिलाओं का आरोप है कि आए दिन कोई न कोई बीमार रहकर सांस लेने में घुटन महसूस करता रहता है। इसकी शिकायत हम लोगों ने इस क्षेत्र के वर्तमान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से भी किया था, लेकिन मंत्री महोदय भी सुनकर अनसुना कर बैठे हैं। आरोप है कि हम लोगों को खाने पीने का पानी कपड़े आदि सामानों पर इतना कार्बन जमा हो जाता है कि खाने की बात तो दूर रही दुर्गंध निकलने लगता है। माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी से पुनः उक्त मोहल्ले वासियों ने इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जा रहा है कि उक्त प्रोजेक्ट को कहीं अन्यत्र हटाया जाए, जिससे हम लोगों जैसे भुक्तभोगी भी सुकून की जिंदगी जी खाएं, नहीं तो हम लोगों का जीना खाना दुश्वार हो चुका है। इसलिए कि इस प्रोजेक्ट को हटाने के लिए अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इससे लोगों का सरकार के ऊपर से भी विश्वास उठता जा रहा है। लोग यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि जब सरकार ही भ्रष्ट है तो मंत्री अधिकारी तो भ्रष्ट रहेंगे ही। या भाई, आप लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, ये जो चिमना लगा है, धुआं गंदा कपड़ा जलाया जाता है, ये इसका आप लोग विरोध नहीं करते? भैया विरोध बोलते हैं, विरोध किए तो मेन पैसा कौड़ी सब कुछ हो जाता है। पैसा कौड़ी खा के प्रदूषण वाले सब खत्म कर देते हैं। बहुत बीमारी, बहुत लोग सब बीमार होते हैं, धुएं से बीमार होते हैं, काफ़ी लोग समय से पहले मृत्यु हो जाती है। गंदा पीढ़ी पीढ़ी आदमी बच्चा सब सब इसमें सब जलता है, टकड़ा बकड़ा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हमारा मकान है यहाँ। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजू, काजू जी से। जी 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 जी, पूरा विरोध करते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ काम होता है? काम होता है। अच्छा अच्छा, यह गंदे कपड़े हॉस्पिटल से ला के जलाते हैं? हाँ, अभी अभी ज़्यादा ज़्यादा एक साल हुआ, हमारा बच्चा ख़त्म हो गया अचानक एकदम, समझ लीजिए इसी बीमारी, सांस की बीमारी का। हाँ, इसी बीमारी का। तो ये आप लोगों का घर है? हाँ, ये हम लोगों का घर है और मना करते हैं, लौटे जाते हैं। आइए थोड़ा इधर आ जाइए। अच्छा हाँ, आप लोग बताइए कि आप लोगों को इस जो गंदा कपड़ा जलता है, इस धुएँ से क्या तकलीफ है, यही बता दीजिए। अरे बहुत सी दिक्कतें होती हैं भैया, इसमें खांसी भी आती है, बच्चों की दिक्कत भी होती है, कहीं बीमार पड़ जाते हैं, इतना बदबू करता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आदमी बताए तभी। आप लोगों ने विरोध किया? हम लोग किए हैं, एक दो लोग से नहीं होता ये सब, कुछ हुआ नहीं। तो एप्लीकेशन भी गया, फिर एप्लीकेशन भी नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, इसका गंदा धुआं आकर के घर और में भी जम जाता होगा? जम जाता है, एकदम काला काला आएगा। अभी जाएंगे आप छत पे देखेंगे तो पूरा गंदा रहेगा, आपको काला काला पूरा काला धुआं से दाना दाना, पूरा कपड़ा वपड़ा कुछ भी डालो, कुछ भी डालो ना, पूरा गंदा हो जाता है, एकदम काला काला पड़ जाता है। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? बोलते हैं कि हमारी जमीन है, हम चाहे जो करें। अच्छा अच्छा, वैसे आप लोगों का नाम क्या है? शोभा पटेल। आपका? आपका आपका बहन जी, ये जो चिमना जलता है, यहाँ गंदा कपड़ा जलाया जाता है, यहाँ गंदा धुआं निकलता है, इससे आप लोगों को घुटन होती होगी? हाँ, घुटन तो होती है। और बच्चे भी बीमार पड़ते होंगे? बीमारी तो इससे भी फैली है, कोरोना वजह से और बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ रहे हैं, सांस वस लेने में दिक्कत होती है, इसका धुआं इतना गाढ़ा रहता है, धुआं बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। हाँ 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 हाँ, आप लोग विरोध करते हैं इसका? नहीं, विरोध
क्यों कर रहे हैं जब हम ही अकेले के क्या कर पाएंगे, जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो अकेले थोड़ी कर पाएंगे। हाँ। आप लोग आप भी यहीं तो रहते हैं, यानी विरोध करते हैं लोग जो है। हाँ बदबू करता है तो जाते हैं तो बंद कर देते हैं। बहुत बदबू करता है इसका धुआं। अच्छा 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 काला का अभी यहाँ आप पैर रख के वो करके पूरा पैर काला हो जाए। अच्छा तो पूरा। अच्छा 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 ये आप लोगों का नाम क्या है बहन जी, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति देवी। शांति देवी, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आप लोग भी यहीं रहते हो ना, आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होती होगी इससे। काला काला धुआं निकलता है इससे, मकानों में घर के दरवाजों पर जम जाता होगा सब। भाई तकलीफ तो सभी को, क्यों बहन जी? अरे तकलीफ तो सभी को होते हैं भैया, तक धुआं निकला तो तक गंदा संदा धुआं। मतलब यही कि आप यहाँ से ड्यूटी करते हैं, आपसे ड्यूटी से मतलब है और बाकी कौन चीज से मतलब ना है ना। बाकी ये लोग अपन यह गंदा कचरा हॉस्पिटल का भी कचरा आवत है सब। हॉस्पिटल से ही आता है सब, हॉस्पिटल से ही आता है सब गंदे कचरे, वही जो मलहम पट्टी वाला जो है वेस्ट निकलता है। अच्छा जो मलहम पट्टी वाला कचरा सब निकलता है। हाँ गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट से है। आपका नाम क्या है? हरे राम मिश्रा। हरे राम मिश्रा।